डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग हॉल ट्रेन्स के बारे में। सो दिस लॉन्ग हॉल ट्रेन आल्सो इट इज कॉल्ड पाइथन रेक। पाइथन नाम क्यों पड़ गया? कि जब हम दो ट्रेन को कंबाइन कर रहे हैं, चाहे वो बॉक्सन है, बीसीएन है, बीसीएन एचएल है या दूसरे रेक, तो ट्रेन की लेंथ एकदम डबल हो जाती है। 59+1+59+1 और दोनों में लोको। सो इसलिए इस लॉन्ग हॉल ट्रेन को पाइथन रेक भी कहा जाता है। जब दो ट्रेन से ज़्यादा, तीन ट्रेन ऐसा कंबाइन करते हैं हम लोग, तो और लंबी गाड़ी बन जाती है, तो उसका नाम दिया गया है एनाकोंडा। सो बेसिकली प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज अभी तक लॉन्ग हॉल ट्रेन पाइथन रेक का हुआ है। एनाकोंडा का ट्रायल भी हो चुका है, बट प्रैक्टिकल में ज़्यादा यूज होता है पाइथन रेक, दैट इज लॉन्ग हॉल ट्रेन। तो इसमें जो पहला प्रिकॉशन है कि दिस लॉन्ग हॉल ट्रेन शुड बी फार्म्ड एट ए TXR पॉइंट, जहाँ पे हम दो ट्रेन को कंबाइन कर रहे हैं, सो वो स्टेशन यार्ड TXR पॉइंट TXR के प्रेजेंस में होना चाहिए, क्योंकि उनको एक कवर BPC भी बना के देना पड़ता है। कवर BPC के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। इसका जो फ्रंट पोर्शन और रियर पोर्शन, दो पोर्शन को हम कंबाइन कर रहे हैं, उसका कॉम्बिनेशन के लिए गाइडलाइन क्या है कि सपोज फ्रंट इज ए एम्प्टी रेक, यदि आगे वाला रेक एम्प्टी रेक है, तो उसका पीछे की तरफ हम लोड नहीं लगा सकते, लोडेड रेक नहीं लगा सकते हैं, कंपल्सरी एम्प्टी रेक ही लगाना पड़ेगा। मीन्स इफ फ्रंट इज एम्प्टी, रियर आल्सो कैन बी एम्प्टी ओनली। एंड सपोज फ्रंट रेक इज लोडेड रेक, देन रियर रेक में भी एम्प्टी और लोड नो प्रॉब्लम। आगे यदि लोड लगा हुआ है, लोडेड रेक है, तो पीछे लोडेड रेक भी हो सकता है या एम्प्टी भी हो सकता है, यानी आगे लोड है तो पीछे एम्प्टी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट, जब हम दोनों रेक को कंबाइन करेंगे, तो लोको पायलट गार्ड दे शुड इंश्योर दैट इन द लोको BP प्रेशर इज 5.0 kg एंड इन द ब्रेक पैन इट इज 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रेक पावर प्रेशर, इतना ब्रेक पावर प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। इसीलिए एक रूल और भी है कि सपोज हम लॉन्ग हॉल ट्रेन वर्क करके लेके जा रहे हैं, सो कहीं पे ड्यू टू एनी रीजन इफ माई ट्रेन इज स्टॉपिंग, किसी कारण से हमारी ट्रेन रुकती है, तो दोबारा स्टार्ट करते समय रुकने में क्या होता है, रिलीजिंग ऑफ एयर प्रेशर, हम एयर प्रेशर को रिलीज कर देते हैं। जब ब्रेक लगाते हैं तो एयर प्रेशर निकल जाता है बाहर, सो ब्रेक अप्लाई हो जाता है। सो वापस स्टार्ट करने के लिए हमको प्रेशर क्रिएट करना है, सो दैट ब्रेक रिलीज हो जाएगा। सो फॉर रिलीजिंग ऑफ ब्रेक मीन्स फॉर क्रिएशन ऑफ BP वी हैव टू वेट फॉर 10 मिनट्स, एवरेज टाइम मिनिमम 10 मिनट हमें वेट करना चाहिए, प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगा, देयर में भी ब्रेक बाइंडिंग, कि ब्रेक अगर पूरी तरह से रिलीज नहीं हुआ है, एयर प्रेशर पूरा बिल्डअप नहीं हुआ, 10 मिनट टाइम नहीं दिया है, तो क्या होगा, ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में स्टार्ट हो गया ट्रेन, तो ब्रेक बाइंडिंग में भी देयर एंड इट मे कॉज फ्लैट टायर, उसे फ्लैट टायर हो सकता है, जो आगे चल के रेलवे ट्रैक को डैमेज भी कर सकता है। सो बी केयरफुल कि आफ्टर स्टॉपिंग गिव मिनिमम 10 मिनट गैप टू रीस्टार्ट द ट्रेन फॉर क्रिएटिंग द प्रेशर, दैट इज वन पॉइंट। नेक्स्ट, कौन कौन से लोको हम यूज कर सकते हैं? सो नॉर्मली मल्टी लोको विल बी यूज, मल्टी ऑफ WDG 3A, WDG 5A, WAG 7 एंड WDG 4, ये मल्टी यूज कर सकते हैं। सपोज एम्प्टी रेक है,
तो WAG9 का सिंगल भी यूज कर सकते हैं। और जब दोनों रेक एम्प्टी है, दोनों रेक एम्प्टी है, उस कंडीशन में जो सेंटर में लोको है हम उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, बट ओनली थिंग क्रू शुड बी अवेलेबल इन द सेंटर लोको आल्सो। यानी ये जो लॉन्ग हॉल ट्रेन हम फार्म करेंगे तो लीडिंग लोको और मिडिल लोको दोनों में क्रू दो सेट होना चाहिए, दो गार्ड होना चाहिए, यानी क्रू कंप्लीट होना चाहिए। भले ही हम डेड करके लोको ले जा रहे हैं एम्प्टी रेक के केस में, बट बोथ सेट शुड बी अवेलेबल एज पर दिस लॉन्ग हॉल JPO एज पर द रूल। कहीं कहीं डिवीजन में प्रैक्टिकली आप देखे होंगे क्रू के शॉर्टेज की वजह से डेड लोको में क्रू को नहीं भेज रहे हैं, सो दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, एज पर रूल भेजना चाहिए, लेकिन जो हमारे डिविजनल ऑफिसर्स है दे आर टेकिंग देयर ओन डिसीजन, सो दैट इज डिफरेंट मैटर, बट एज पर रूल बोथ सेट क्रू शुड बी अवेलेबल इवन दो मिडिल लोको इज डेड। नेक्स्ट पॉइंट, हु विल बी द इंचार्ज ऑफ द ट्रेन? रियर गार्ड, जो रियर रेक का गार्ड है, रियर मोस्ट ब्रेक मैन, ही विल बी द इंचार्ज ऑफ द कंप्लीट ट्रेन। नेक्स्ट, सपोज एट व्हीलर ब्रेक मैन, देन एट व्हीलर ब्रेक मैन कैन बी केप्ट इन द सेंटर। जो लीडिंग रेक है उसका जो ब्रेक मैन है, सपोज एट व्हीलर है, तो नो प्रॉब्लम, वो सेंटर में रहेगा, उसके पीछे लोको और सेकेंड रेक रहेगा। सपोज मिडिल ब्रेक मैन इज ए फोर व्हीलर ब्रेक मैन, सो दिस फोर व्हीलर ब्रेक मैन इज नॉट परमिटेड इन द मिडिल, सेंटर में फोर व्हीलर ब्रेक मैन परमिटेड नहीं है एज पर रूल, क्योंकि मार्सलिंग का एक और रूल भी है कि वन फोर व्हीलर शुड नॉट बी मार्शल्ड बिटवीन टू एट व्हीलर, सो वो रूल यहाँ भी अप्लीकेबल है। अगर ब्रेक मैन फोर व्हीलर है तो उसको मिडिल से निकाल के पीछे रखना पड़ेगा, मिडिल में रखना है तो एट व्हीलर ब्रेक मैन होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, वेयर द गार्ड ऑफ द मिडिल ब्रेक मैन ट्रेवल, जो मिडिल का ब्रेक मैन का गार्ड है कहाँ ट्रेवल करे? अगर मिडिल में ब्रेक मैन है तो गार्ड विल ट्रेवल इन द मिडिल ब्रेक मैन, वो सेंटर में रहेगा गार्ड। सपोज एट व्हीलर नहीं है, फोर व्हीलर है, ब्रेक मैन निकाल के पीछे लगा दिया, देन गार्ड विल ट्रेवल इन द लोको, मिडिल लोको, और रियर मोस्ट गार्ड विल बी द इंचार्ज ऑफ द ट्रेन। देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट इज कवर BPC, जो दोनों रेक है हमारा, रेक नंबर वन एंड रेक नंबर टू, बोथ शुड बी वैलिड BPC, सीसी रेक भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है, एंड टू एंड भी हो सकता है, उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट बोथ BPC शुड बी वैलिड BPC। तो TXR पॉइंट पे हम रेक फॉर्मेशन कर रहे हैं तो TXR स्टाफ एक कवर BPC बनाएगा। ये जो इंडिविजुअल रेक वन रेक टू का BPC है, इट विल बी केप्ट विद द इंडिविजुअल लोको पायलट्स। जो हमारा रेक वन का लोको पायलट है उसके पास अपना BPC रहेगा, रेक नंबर टू का लोको पायलट है उसके पास पीछे के रेक का BPC रहेगा। कवर BPC जो बनेगा उसमें बेसिकली क्या रहेगा कि दोनों रेक में कौन कौन सा BPC, सपोज रेक नंबर वन इज CC रेक, रेक नंबर टू इज प्रीमियम रेक, रेक नंबर वन का ब्रेक पावर परसेंटेज इतना है, रेक नंबर टू का ब्रेक पावर परसेंटेज इतना है, सो ये कंप्लीट डिटेल वो कवर BPC में दोनों रेक का कंबाइंड करके लिखा जाएगा, एंड द TXR विल साइन इट, एंड इट विल बी केप्ट विद द लीडिंग लोको पायलट। जो आगे वाला लोको पायलट है उसके पास कवर BPC रखा जाएगा। अनदर पॉइंट, जो हमारा फॉर्मेशन है लॉन्ग हॉल का, सिंगल पाइप पे कनेक्ट किया जाएगा, इसमें ट्विन पाइप नहीं हम यूज करेंगे। सो रूल में दे दिया ठीक है सिंगल पाइप यूज करेंगे, देन प्रैक्टिकली वी डिस्कस विद द लोको पायलट्स, सो वो लोगों ने बताया कि सपोज हम पूरा ट्विन पाइप यूज करते हैं तो हम जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो अनइवन ब्रेकिंग रहता है बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो इसलिए उस चीज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए TXR वालों ने क्या रूल रखा है, दे हैव केप्ट द रूल दैट द कंप्लीट रेक विल बी कनेक्टेड ऑन सिंगल पाइप ओनली, केवल BP पाइप को कनेक्ट किया जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट दिस वॉकी टाकी, वॉकी टाकी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन गार्ड, दिस रियर मोस्ट गार्ड एंड लीडिंग लोको पायलट, दैट वॉकी टाकी शुड बी इन वर्किंग कंडीशन।
If at any point walkie-talkie is failed, communication is failed, then rake should be split. उसको अलग कर देना चाहिए. Another thing, जब हम long haul rake बनाते हैं दो ट्रेन को मिला के, तो अब उससे कहीं भी किसी भी स्टेशन में क्रॉसिंग और प्रेसिडेंस कैन नॉट बी गिवन. क्रॉसिंग प्रेसिडेंस हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको वन रन में लेके जाना है डेस्टिनेशन तक. सपोज इमरजेंसी वी हैव टू अरेंज एनी क्रॉसिंग और प्रेसिडेंस आर एनी अदर प्रॉब्लम, देन रेक शुड बी स्प्लिट. फिर रेक को अलग करना पड़ेगा, तभी क्रॉसिंग प्रेसिडेंस या दूसरे प्रॉब्लम को हम अटेंड कर सकते हैं. इसलिए दोनों सेट क्रू अवेलेबल रहना चाहिए. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड यू हैव अंडरस्टूड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. सपोज इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू. एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल इफ ऑलरेडी यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड. And please share the links with your friends and other WhatsApp groups so that other also get benefit. And thank you so much for watching. Thank you.